सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में मजनू के टीले के पास जो तमाम पाकिस्तान और अलग अलग जगहों से आए शरणार्थी यहां पे रह रहे, उनको उनके मन में क्या चल रहा है CAA को लेकर, वो कितने खुश हैं, वो क्या सोचते हैं, इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए उत्तर प्रदेश से पत्रकारों की एक टीम यहाँ पे आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सभी लोग लखनऊ से विशेष रूप से दिल्ली आए और यहाँ पे मजनू के टीले के पास जहाँ पिछले कई सालों से ये तमाम शरणार्थी रह रहे हैं वहाँ आए, उनसे मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि उनको इस कानून के लागू हो जाने के बाद वो इसे लेकर क्या सोचते हैं, कितने खुश हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, जब आप यहाँ आए तो आपने जब इन लोगों से बातचीत की, क्या रिएक्शन था इन लोगों का? रिएक्शन इनका जैसे पहले से है, इनकी मांग रही है कि कानून तो आ गया लेकिन हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अभी भी इनकी स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है और जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2011 से इस जगह पर रह रहे हैं और अभी करीब 750 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं जिसमें महिला पुरुष और बच्चे हैं। सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। आप इनकी स्थिति देखिए किस हाल में ये रह रहे हैं, ना इनके पास जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है जो आपका ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कुछ भी नहीं है इनके पास। तो हम सबका एक ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये एक प्रयास है और मीडिया का भी आज जो आना का यहाँ एक पर्पज़ है, मकसद है, वो यही था कि हम इनके साथ रूबरू हो सकें, इनकी दुख और परिस्थितियों को समझ सकें, देख सकें और देश में जो पूरे ये CAA को लेके जो भ्रम जाल फैला हुआ है वो भ्रम जाल है और वो सही नहीं है। सही ये है कि जिनके लिए कानून आया है उन पे सरकार को और लोगों को बातें करनी चाहिए कि इनके अधिकार इनको मिले और जल्दी से जल्दी ये अपनी जो रूटीन, जो नॉर्मल एक मानव की लाइफ है वो जी सकें। सो ये कहना चाहेंगे, आपने इन लोगों से बातचीत की, क्या कहा इन लोगों ने? हम लखनऊ की टीम पूरी आई, पत्रकारों की टीम आई, हमारे सीनियर्स भी आए, हमारे सहयोगी भी साथ में आए हुए हैं और देखा हम लोगों ने, कभी तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हम लोग को बस्ती में देखे, 750 परिवार यहाँ पे है। और सबसे बड़ी जो हास्यास्पद स्थिति दिखी कि जिस जगह बैठकर, यहाँ चंद दूरी पर सदन में बैठकर CAA CAB जो भी बिल बनाया गया और जिनमें मुद्दों को लेकर देश में हो हल्ला हो रहा है, वहीं से चंद दूरी पर यहाँ पे शरणार्थी इस कदर कि लगभग 6-7 सालों से यहाँ बिजली नहीं है, बच्चे अभी भी शिक्षा तो खैर बहुत दूर की बात है, मूलभूत सुविधाएँ इनको नहीं मिली हैं, तो सवाल बहुत बड़ा है। और बाकी सरकार अपना काम कर रही है लेकिन फिर भी जहाँ बैठी, जहाँ से सदन, जहाँ इसको बनाया गया वहीं पे कम से कम उसको देखना चाहिए कि इन शरणार्थियों को जो एक अदद बिजली के लिए भी अब रो रहे हैं, तो सरकारों को इस पर भी ध्यान, सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे, क्या आपने देखा बातचीत की लोगों से? देखिए, जब सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसमें यह है कि 7 साल तक जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो अब यहाँ बहुत सारे लोग 7 साल से अधिक समय से रह रहे हैं तो इन्हें कम से कम बेसिक इम्यूनिटीज तो मिल ही जानी चाहिए। और जो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर उसके आवास यहाँ मल्टी स्टोरीज बना दिए जाएं तो जो ये बहुत ख़राब स्थिति में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इससे इनके हालत में सुधार होगा, इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। कुछ काम काज करने के लिए ये लोग कर ही रहे हैं, कुछ और सोचेंगे, बेहतर करेंगे, जीवन इनका बेहतर होगा और एक देश भर में संदेश जाएगा और दुनिया में संदेश जाएगा कि नहीं, भारत अपने शरणार्थियों को ठीक से रहने की सुविधाएँ मुहैया कराता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, CAA को लेकर के जो विरोध हो रहा है, दरअसल उनको देखना चाहिए कि CAA का विरोध वो क्यों कर रहे हैं। CAA का विरोध किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए है। ये नागरिकता उन लोगों को दी जा रही है जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिनके साथ दिक्कतें हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, जिससे कि उनको भी अधिकार मिल सके, जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं उनको मिल सके, जैसे हमारे साथी मित्र ने कभी कहा, और वो लोग भी अपना जीवन यापन ढंग से कर सकें। सारे लोग हैं और इनके भी अपने सारे ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी हो सकें। यही अभी जो हमने देखा वो उसमें यही देखने में आ रहा कि ज़्यादातर लोग सताए हुए हैं, दूसरे देशों से आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। चलिए, अब ये है कि जो CAA, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो सरकार ने एक तरीके से कानून बना दिया है, इससे ये तमाम लोग बेहद खुश हैं और इनके नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि सरकार इन्हें मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था करे, ये इन लोगों की मांग है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।